दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की चुनिंदा भरोसेमंद अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे करके भारत जो है विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। विश्व बैंक के 2017 के ताज़ा जारी आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई है कि जो भारत है वह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इस विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो बने रहें दोस्तों वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस की 2.582 खरब डॉलर की जीडीपी की तुलना में भारत की जो जीडीपी है वो 2.597 खरब डॉलर हो गई है, जिसके जरिए भारत ने फ्रांस को पीछे कर और छठा स्थान जो है हासिल कर लिया है। दोस्तों रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला देश भारत 2032 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार वृद्धि कर रही है क्योंकि इसमें अभी विकास की प्रबल संभावनाएं बाकी हैं। चलिए जानते हैं आज रैंकिंग में जो सुधार का कारण है वह क्या है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते विकास दर कई तिमाहियों में गिरावट के बावजूद जुलाई 2017 से लगातार बढ़ रही है और रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी और GST लागू किए जाने के बाद बाजार में कुछ समय के लिए मंदी तो आई, लेकिन अब विनिर्माण और लोगों की खरीद क्षमता बढ़ती दिख रही है, जिसके चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में अभी भी भारत फ्रांस के मुकाबले में करीब 20 गुना पीछे है। चलिए देख लेते हैं वैश्विक संदर्भ में यह रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों विश्व बैंक की रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो USA है उसकी अर्थव्यवस्था को पहले स्थान पर रखा गया है, यानी कि ये पहली स्थान पर आती है अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है। और इस रिपोर्ट में चीन को दूसरा रैंक यानी कि स्थान हासिल हुआ है और चीन के बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस रिपोर्ट में शामिल की गई है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था को इसमें छठे स्थान पर रखा गया है। वर्ष 2017 के अंत तक ब्रिटेन विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और उस समय ब्रिटेन की जो GDP थी वो 2.622 ट्रिलियन डॉलर थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत है उसको विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा गया है और यह कहने के पीछे इसका क्या कारण है और वैश्विक संदर्भ में विश्व बैंक की ये रिपोर्ट क्या कहती है और भारत के संदर्भ में क्या कहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।